टू ऑल स्टूडेंट अगेन आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल जेईई स्कोर में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चे जिन्होंने एसएससी जेईई 2023 के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करती है और उनका सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन कॉमन डाउट ये आ रहा है मेरे सामने कि सर इसका जो टेक्निकल पार्ट है उसको तो हम प्रिपेयर कर ले रहे हैं, उसको तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट इसका नॉन टेक पोर्शन को कैसे हैंडल करें। पिछले साल भी काफी बच्चों का प्री ही नहीं क्लियर हो पाया था क्योंकि नॉन टेक पोर्शन पे कमांड ही नहीं थी और बिना नॉन टेक को आप स्ट्रॉन्ग किए इसका प्री एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और जो जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम सुभाष है और मैं करंटली आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं आप लोगों के स्ट्रेंथ को डाउन करने के लिए। इसके अलावा मेरे 13 एग्जाम्स के अंदर ऑल इंडिया रैंक वन रही है जैसे कि एनबीसीसी एसपी आईटीबीडीएम डीमारसी है और यूपीएससी लेक्चरर यूपीपीसीएल बहुत सारे एग्जाम्स है, एचपीसीएल पी का भी था, बहुत सारे एग्जाम्स है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रिजल्ट डाल रखा है, आप लोग जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले तो समझते हैं कि यार इसके नॉन टेक के ऊपर आपको फोकस कैसे करना है और क्या क्या आप कर सकते हैं। देखिए अगर आप एसएससी जेईई के लिए नॉन टेक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको दो तीन फायदे होंगे, आरआरबी जेईई का भी वैकेंसी आने वाली उसके अंदर भी आपको फायदा मिलेगा और जो डीएफसीसीएल का जो सीबीटी वन जो पूरा नॉन टेक कर दिया उसके अंदर भी आप लोगों को फायदा मिलेगा। इसके 100 नंबर का जो नॉन टेक होता है 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड रीजनिंग के होंगे और 50 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल अवेयरनेस होंगे। पहले बात हम लोग जनरल अवेयरनेस की कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा बच्चों का डाउट आता है। देखिए जनरल अवेयरनेस को मैंने ऑलरेडी काफी कम वीडियोस में प्रिसाइज तरीके से मैंने यूट्यूब के ऊपर ही कंप्लीट करवा रखा है, तो आप लोग जाके वहां से मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और बाकी जितने मेरे ओसीएमटी के 3.0 वाले जो बच्चे हैं मैंने ऑलरेडी इसको ऐप के ऊपर भी अपलोड कर रखा, तो आप लोग वहां से आंख बंद करके जितना मैंने वीडियोस करवा रखा उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही कम वीडियोस में जब हम लोग ने मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, जब मैं मेडिवल की बात करूं, जब मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, फिजिकल ज्योग्राफी करवा रखा, इंडियन करवा रखा, वर्ल्ड करवा रखा मैंने और जब मैं पॉलिटी की बात करूं, तो ये तीनों चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखी है और इस बार जो लास्ट का जो टाइम बचेगा उसके वक्त हम लोग करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट वाले होंगे उनको कवर अप कर लेंगे, तो आप उनको उन वीडियोस को रेफरेंस में ले सकते हैं। काफी कम वीडियोस हैं, अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात की जाएगी तो 2-3 घंटे में मैंने कंप्लीट करवा दिया पूरा। और देखिए आप लोगों का भी एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने चाहिए कि जो मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किया, तो वैसे कुछ आपको होने वाला है। एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए आप लोग कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल को छोड़ के, आरएस अग्रवाल के अलावा कोई भी आपको बुक मिल जाती है तो आप उसके एग्जांपल्स को लगा सकते हैं, उससे भी आप लोगों का कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो ये दो तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि डेली आप 2-3 घंटा आप नॉन टेक के ऊपर दीजिए ताकि आपका नॉन टेक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और सेम नॉन टेक आपका डीएफसीसीएल और आरआरबी के टाइम भी काम में आने वाला है। तो यही था आज की वीडियो में अपडेट, आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। बाकी जितने भी बच्चे जो एसएससी जेईई 2022 के रिजल्ट को लेकर मुझसे नाराज है, भैया नाराजगी की कोई बात नहीं है। देखिए रिजल्ट डिले हो सकता है, इसमें मेरा कंट्रोल नहीं था, अगर मेरा कंट्रोल होता तो शायद मैं आप लोगों को पीडीएफ भी भेज देता। मुझे 100% चीज़ें पता थी, जो मुझे को सोर्स दिया बताया गया था वो सब चीज़ें मुझे पता थी और मैं 100% उस बात पर विश्वास कर रहा था, तभी मैंने आप लोगों के सामने वीडियो बनाई थी। बाकी रिजल्ट नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा आप लोग परफॉर्म करके आए होंगे पेपर तो उसी हिसाब से चेक हुआ होगा और उसी हिसाब से एवेल्युएट हुआ होगा, तो वो तो पार्ट हो चुका है, बट आप लोग टाइम को वेस्ट मत कीजिए और आप लोग अपने सिलेक्शन के लिए दोबारा से प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए और इसको एक अलग वे दीजिए और एक अलग एंगल दीजिए ताकि आप लोगों का जल्दी सिलेक्शन हो जाए। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।